दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड से हार कर बुरी तरीके से जैसे ही बाहर हुई ना पाकिस्तान की टीम तो फूट फूट कर रो पड़े थे बाबर आजम, लेकिन जाते जाते वो भारत देश के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पर कोहली रोहित पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। क्या कहा दोस्तों बाबर ने उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित बाबर और कोहली में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों 11 नवंबर का दिन, ये दिन कभी नहीं भूलेगी पाकिस्तान की टीम। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए आज पाकिस्तान को बहुत सारी कंडीशंस लग रही थी, जिनमें से सबसे पहली कंडीशन ये कहती थी कि पाकिस्तान को टॉस जीतना होगा और जीतकर बल्लेबाजी ऐसी करनी होगी कि इंग्लैंड की टीम उस स्कोर के पास भी ना पहुंच पाए। लेकिन कहते हैं ना, समय से बलवान कुछ नहीं होता, और आज दोस्तों समय पाकिस्तान का नहीं बल्कि इंग्लैंड का था। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के कैप्टन ने टॉस जीता और ऐसी बल्लेबाजी करी ना चुनने के बाद कि जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी। दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से आप नाम लीजिए, हर एक खिलाड़ी ने रन बनाए, फिर वो चाहे बेयरस्टो के 59 रन हो, जो रूट के 60 रन हो, बेन स्टोक्स के 84 हो, या फिर 17 में 30 हैरी ब्रुक के क्यों ना हो, यहां तक कि विली भी 5 में 15 रन लगाकर गए। इतनी तूफानी T20 जैसी पारियों के दम पर 50 ओवर में 337 रन बन जाएं और 338 रन पाकिस्तान को इस हाल में दिए जाएं, ये कहकर के आपको लक्ष्य 6 ओवर में चेस करना है तो भला वो टीम रन भी कैसे बना पाएगी। बेचारी पाकिस्तान की टीम के दोस्तों दोनों ओपनर 0/1 पर आउट हो गए थे। बाबर ने भले ही 38 रन लगाए और रिजवान ने 36, लेकिन दोस्तों जब टांगे टूट जाएं तो चलने में मुश्किल तो होती है, वही आज पाकिस्तान के साथ हुआ। 145 पर इनके 6 विकेट गिर गए और बड़ी बुरी तरीके से पाकिस्तान की टीम हार कर पार हुई है। इंग्लैंड की टीम ने जीत से कुछ खास तो पाया नहीं, लेकिन हाँ 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट उनका सिक्योर हो गया है। लेकिन दोस्तों जो कुछ हुआ है वो हुआ है पाकिस्तान का। बाबर आजम एक ऐसा कप्तान जिसे उसके ही देश के दिग्गज कप्तानी छोड़ने पर कह रहे हैं, एक ऐसा कप्तान जो पूरे वर्ल्ड कप में चल नहीं पाया और अब जब बाहर हुए तो फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन जाते जाते भारत के लिए कुछ ऐसा कहेगा जो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि बाबर आजम ने अपने बयान में वर्ल्ड कप से बाहर होकर कहा, क्या कहूं कुछ समझ नहीं आ रहा, शब्द कम पड़ेंगे अगर मैं पूरे वर्ल्ड कप को एक छोटे से बयान में बयान करने की कोशिश भी करूंगा। तो देखिए विश्व कप से हर किसी देश की एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा देश दूसरे देश में जाए और वर्ल्ड कप जीत कर लौटे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा कि हमारा देश इतनी बुरी तरीके से बीच वर्ल्ड कप में भी हारा और अब इस कदर एक टॉस के फैसले पर हार कर बाहर हो चुका है। यकीनन तौर पर केवल आज के मैच की नहीं बल्कि इस वर्ल्ड कप में हम हर मैच में बहुत घटिया परफॉर्म करते रहे, अपनी गलतियों से सीखे नहीं, और कहते हैं ना कि जो अपनी गलतियों से सीखता नहीं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, आज हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। इनफैक्ट पूरे टूर्नामेंट में हमने अपनी गलतियों पर कभी काम नहीं किया, जिसके चलते हम लगातार हारते चले गए, और क्या एक टॉस को दोष देना, हम हारे हैं लगातार, बाहर हुए हैं लगातार टूर्नामेंट से पिछले सालों में भी, तो अपनी गलतियों की वजह से। बस इन जिम्मेदारियों को मैं स्वीकारना चाहता हूं और साथ ही साथ जाते जाते रोहित कोहली से लेकर धोनी तक का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो विरोधी टीमों को भी सिखा जाते हैं, और जब हमारे खिलाफ हर कोई था, हमारा देश, हमारे दिग्गज, हमारे फैंस यहाँ तक की, तब भारतीय टीम ने हमारा साथ दिया और साथ ही हमें प्रोत्साहित किया आगे चलकर बेहतर करने के लिए। हमने कोशिश भी की लेकिन अफसोस ऐसा कर नहीं पाए। जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, भारतीय फैंस जैसे फैंस मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखे, और जिस जिसने हमें समर्थन किया उसको दिल से धन्यवाद। बस अब तो एक ही तमन्ना है कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीते और अपना तिरंगा लहराए। दोस्तों बाबर आजम इसके बाद रो पड़े और चले गए, वैसे उनका इतना कहना भी दिल जीत ले गया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है भाई, रोहित बाबर और कोहली में सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।